नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। मास्क लगाना निहायत जरूरी है, यह बात सभी जानते हैं, लेकिन आज भी कोरोना संक्रमण फैलाव के बाद कई लोग एक दूसरे की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सब्जी मंडी में खरीदारी के समय मास्क की अवहेलना के साथ बेपरवाह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से कोरोना सैंपल जांच अभियान को तेज रफ्तार देने की दिशा में पहल की है। आंकड़े बताते हैं कि पटना में भी बीते गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार की नींद उड़ा दी है। इसे देखते हुए नीतीश कुमार ने रोजाना 20,000 सैंपल की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। पुलिस प्रशासन अब कोताही बरतने वाले लोगों पर गंभीरता से पेश आएगी। इस हफ्ते पुनः जारी लॉकडाउन के बावजूद कई लोग सैर सपाटे के लिए निकलने से बाज नहीं आ रहे। आज यूनाइटेड नेशन के 75वां स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएन की आर्थिक सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि भारत को गत वर्ष सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर पटना के सभी थाने तथा अस्पतालों को पटना नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज कराने की योजना तैयार की गई है। योजना के तहत पीएमसीए कैंपस को भी इस योजना में शामिल किया गया है। शनि और रविवार को बिहार के सभी थोक दवा विक्रेता अपनी दुकानों को बंद रखेंगे, यह फैसला बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने लिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर संघ काफी गंभीर है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने नेता प्रतिपक्ष को पूरी तरह से धो डाला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के पास आज भी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं है, इसी वजह से वे सोशल मीडिया पर अफवाहों का सहारा लेकर सूबे की जनता को बरगलाने लगे हैं। मंत्री श्याम रजक 70 घाट पुल अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने पर मीडिया से बात करने के क्रम में ये बातें कही। इधर एनडीए के सहयोगी पार्टी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी 70 घाट पुल अप्रोच रोड ध्वस्त मामले में फौरी तौर पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। उच्च स्तरीय जांच शुरू करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग चिराग पासवान ने की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव से अप्रोच रोड के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। तेजस्वी ने निर्माण कार्य में रांची के गोलमाल का भी आरोप लगाया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने विपक्षी दलों पर 70 घाट पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर पर भ्रम फैलाने की बात कही है। उनके मुताबिक इस पुल से दूर दूसरे पुलिया के पास बाढ़ के दबाव के कारण अप्रोच बहने को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, जो पूरी तरह निराधार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनाव आयोग के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें आयोग ने 80 साल से ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।